गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इंटीजर टाइप का जो कोई वेरिएबल होता है मेमोरी में, जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है उसमें हम जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर ब्रॉडली डिपेंडेंट ऑन मशीन the size and range of data type may vary. Okay students, so आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल इंटीजर इंटीजर टाइप्स इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल रिजर्व टू बाइट्स ऑन 16 बिट कंपाइलर्स एंड मेमोरी का रेंज निकालना 16 बिट कंपाइलर के बारे में हम जो है एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर सकते हैं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेटर्स consider an integer type variable require equal to
Thus, two bags, 60 feet. Okay, students, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो डेटा है मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टूडेंट्स टू बाइट्स यहाँ पर हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम 60 बिट बनाते हैं, 60 सेल बनाते हैं स्टूडेंट्स। 1, 2, 3, 4 फोर का हाफ का लेंगे स्टूडेंट्स, तो 18 सेल हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 16 सेल बन जाएगा स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली। ओके ओके ओके। तो स्टूडेंट जो साइड नंबर के बारे में हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ए साइड भी होता है स्टूडेंट्स, 1 बिट साइड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा मशीन में जो डेटा स्टोर होता है, ई सेल है यूनिक इंडेक्स और वाई यूनिक इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो अगले का इंडेक्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 15। ओके स्टूडेंट, तो साइन बिट का हमारा इंडेक्स नंबर कितना हुआ, 15। तो स्टूडेंट हम इसमें मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू, और एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो इनके लिए हम आगे जो है इसको हम टू पार्ट में स्टूडेंट डिवाइड कर लेते हैं। ओके, हमें एक पार्ट बनाया क्योंकि हमारा डेटा होता है एक सेल में एक बार में वैल्यू स्टोर होती है, तो मशीन में डेटा हमारा बाइनरी फॉर्म 0, 1, 5 में स्टोर होता है स्टूडेंट। ओके, 16 सेल है, यहाँ पर भी स्टूडेंट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडेक्स है।
तो जैसा आप जान सकते बाइनरी जो डेटा होता है किसी सेल में जो है एट टाइम वन वैल्यू होल्ड करेगा आइदर जीरो आर वन। देखिए मिनिमम वैल्यू प्लेस में क्या होगा, जो साइन बिट होगा उसकी उसमें जो है वन स्टोर करेगा, तो यहाँ पर साइन बिट की वैल्यू जब वन होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगा तो प्रेसिडेंट। और इन सिचुएशंस में देखिए मिनिमम वैल्यू प्लेस में क्या होगा, हमारा कोई डेटा मिनिमम कब होगा, जब हमारा ऑल सिग्निफिकेंट जो सेल है उसमें वैल्यू क्या हो जाए जीरो जीरो हो जाए एक्सेप्ट साइन बिट। तो अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू। देखिए सारे बिट में जो है जो डेटा है बिट की जो पोजिशन है जीरो रहेगा एक्सेप्ट टाइम बिट। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, माइनस वन टू द पावर साइन बिट का वैल्यू क्या है वन है, ओके स्टूडेंट्स, इनटू देखिए हम जब उनका पोजिशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे स्टूडेंट तो यहां पर क्या आएगा बेस इनटू पावर इंडेक्स बेस पावर इंडेक्स टू के पावर, क्योंकि बाइनरी में हमें कोई डेटा बाइनरी फॉर्म है उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं बेस पावर सेल का इंडेक्स नंबर। तो देखिए स्टूडेंट इस सेल का इंडेक्स यहाँ पर 15 है तो 2 पावर 15 करेंगे ओके स्टूडेंट्स, माइनस 1 पावर 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स माइनस आएगा 2 पावर 15। इसको स्टूडेंट सॉल्व किया जाएगा ठीक है, तो यहां पर आएगा माइनस 32,768 ओके स्टूडेंट्स। और अब चलते हैं राइट मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू निकालने, ये तो मिनिमम रेंज हो गया, आइए अब देखते हैं कैसे मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालते हैं तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू यहां पर इंस्ट्रूमेंट देखिए साइन बिट क्या है जीरो है यहां पर होगा माइनस वन टू पावर जीरो, इसके बाद देखिए मैक्स वैल्यू कोई सेल है कब रहेगा जब उसका स्टेट डेटा का वन फॉर्म रहेगा,
से जब काम करेंगे तो बेस इनटू टू पावर इंडेक्स, बेस पावर इंडेक्स 14 प्लस 2 पावर 13 प्लस 2 पावर 12 2 पावर 11 2 पावर 10 2 पावर 9 प्लस 2 पावर 8 प्लस 2 पावर 7 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 4 2 पावर 3 2 पावर 2 2 पावर 1 2 पावर 0। ओके फ्रेंड्स, इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहां पर माइनस 1 पावर 0 क्या आएगा, 1 माइनस 1 का पावर 0 1 मतलब पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम जो है आगे रिजॉल्व कर लेते हैं। आइए अब हम चलते हैं, इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपको हम दिखाते हैं कैसे। आइए हम देखते हैं कैसे ट्रिक आपको बताते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। We apply a trick. To solve जिससे कि हमारा प्रॉब्लम कम समय में सॉल्व हो जाएगा, अगर इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। देखते हैं, वी हैव देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे सामने 4-1 है, 4-1 बाइनरी के हैं, ऐसे मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यह आपको बस बता रहे हैं। ओके 1 1 1 1 यह बाइनरी डेटा है। अगर स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 1 2 3 आइए इसको सॉल्व कर चेक करते हैं। 2 पावर 3 2 पावर 2 1 प्लस 2 पावर 0 इक्वल टू 8 4 प्लस 2 प्लस 1 आपके 12 हो गया 14 15। देखो बच्चों, यहां पर जब 4 टाइम 1 आया और इनका लास्ट इंडेक्स देखिए 3 है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 -1। ओके स्टूडेंट्स, देखा क्या क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल क्या बता रहा है स्टूडेंट्स,
क्या मिलता है स्टूडेंट्स, 2 पावर 4 माइनस 1। ओके, अब इसी कंसेप्ट को हम इसमें अप्लाई करते हैं। यह कंसेप्ट तब अप्लाई होगा जब ऑल सेल कंटिन्यूअस होंगे और सब में क्या होगा, जो डेटा होगा वो वन स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, अब यहां कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको हम कोरिलेट करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक टोटल 16 सेल है, टोटल 16 सेल है। इसमें एक सेल जो है जीरो निकल गया, बचा कितना, 15 सेल ऐसे हैं जिनमें जो है हमारा जो डेटा है मैक्सिमम स्टेट में है। सब में वैल्यू हमारा क्या है, 1 है। सब में वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 1 1 1, 15 टाइम्स है। तो इसका अर्थ यह है फ्रेंड्स कि इसको हम 2 पावर 15 लिख सकते हैं। जिस तरह से यहां पर 4 से लेकर 2 पावर 4 लिखा जा रहा है, उसी तरह से यहां पर 15 ऐसे सेल है जिसमें वैल्यू हमारी 1 1 है, तो हम इसको 2 पावर 15 लिख रहे हैं। और माइनस 1 किया जा रहा है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे माइनस 1। इसको इक्वेट करेंगे स्टूडेंट 2 पावर 65। आपको कंप्यूटेशन का तरीका स्मार्ट केस से जो है उसको अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब इस पैटर्न हमारा जो है जहां जहां पर कंटिन्यूअस सेल की वैल्यू 1 होगी तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आपको करके दिखाया। इस तरह से स्टूडेंट्स रेंज कितना आया, रेंज आ गया आपका फ्रेंड्स मिनिमम मीन वैल्यू के डी टाइप के वैल्यूबल। मीन वैल्यू कितना रह सकता है स्टूडेंट, माइनस 32,768 से लेस वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता और 32,767 से अधिक वैल्यू को भी हम जो है एक टाइप के वेरिएबल में, यदि वह कंपाइलर 16 बिट का है तो उसमें हम जो है इस रेंज से कम और इससे अधिक वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। दैट इज वी कैन स्टोर द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ डेटा विद इन डिक्लेयर्ड वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगला जो है अनसाइंड के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में, जिससे कि किसी को टाइम वेस्टिंग न हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।